हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आज मैं इस ब्लाउज के पार्ट टू की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़र्स्ट पार्ट में इसका डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया था तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में बताइए और इसके गले की घटाई हमने कैसे करनी है वो भी बताइए तो ये बिल्कुल आसान है इसको कैसे बनाना है आपने अपनी बॉडी के अनुसार हमने इसे बनाना होता है आपने दो सीधे दो उल्टे का पहले बॉर्डर बनाना है फंदे आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग रखने हैं जो आपका साइज़ है उस हिसाब से फंदे रख लीजिए इसमें नाइन्टी नाइन फंदे रख सकते हैं आप डिजाइन के हिसाब से ठीक है बॉर्डर में हंड्रेड फंदे रखे हैं हंड्रेड फंदों में दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाया चार इंच का बॉर्डर बनाने के बाद फिर हमने ये डिज़ाइन डालना है और आपने क्या करना है अपने अंडर आर्म्स में इंची टेप रखिए और हिप तक आपने जितना लंबा बनाना है उतना लंबा बनाने के बाद आपने इसकी घटाई डालनी है मोटे की तो घटाई डाल दी है हमने यहाँ पर डाली है चार तीन दो एक की चार तीन दो एक की हमने घटाई डाली दोनों पीस ये जुड़े हुए हैं एक एक पीस है उल्टी तरफ से भी सीधे तरफ से भी ठीक है जो सेंटर में आपको मोती लगे दिख रहे हैं मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था वो इसका हमने सेंटर सेंटर निकाल दिया जो सेंटर में हमारा डिजाइन है उसमें एक एक मोती सुई से लगाया हुआ है सेंटर में भी और गले में भी दोनों में ठीक है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसके गले की घटाई आपने कैसे करनी है वो आपके साथ शेयर करूंगी और बाजू के लिए आपने जो फन... रखने हैं वो फिफ्टी फंदों से आप इसकी बाजू स्टार्ट कर सकते हो बाकी आपने साइज के अकॉर्डिंग आपने कम ज़्यादा करना है डिज़ाइन कम फंदों में जो फंदे बढ़ेंगे हर चौथी सिलाई में क्योंकि फंदा बढ़ाते जाना है जो फंदे बढ़ेंगे उन पर डिज़ाइन को हम चलाते जाएंगे जा आप सीधे सीधे फंदे भी बना सकते हो जैसे आपको सही लगे जैसे बॉर्डर में हमने दो सीधे दो उल्टे बनाए हैं वैसे भी बना सकते हो ठीक है बाजू अगर नहीं बनानी आती है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे कारीगर की वीडियो मैंने डाली है उसमें बाजू बनाना भी बताया हुआ है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले गले की घटाई बताती आपको कि आपने कैसे करनी है। गले की घटाई दिखाने के लिए ना मैंने आपको ये देखिए ऐसे डिजाइन बनाया हुआ है ठीक है थोड़ा सा डिजाइन डाला है क्योंकि सैंपल बना रही हूं ना मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए तो आपने पहले जैसे मैंने आपको बताया है आपने यहां पर दो... तरफ से मोटी की घटाई डाल लेनी है चार तीन दो एक की या पाँच तीन दो एक की जिस हिसाब से आपने फंदे डाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी घटाई डाल लेनी है ठीक है घटाई डालने के बाद जो आपने है पीछे वाले गले को देखिए हमने ना आगे वाले गले को मैं क्या करती हूँ मोटे की घटाई डालने के बाद इतना ऐसे चार उंगल रखकर देख लेती हूँ जब ये बन जाता है ये बनेगा ढाई से तीन इंच फिर उसके बाद आगे वाले गले की हम घटाई डालना शुरू कर देंगे अगर आप दोनों साइड में सेम एक जैसा गला रखना चाहते हो तो आपने ऐसे ही बना लेना है ऐसे उंगले रख के देख लीजिए चाहे इंची टेप रख के देख लीजिए ये मान लीजिए हमारी घटाई डल गई घटाई डलने के बाद ये आपने ऐसे ही इतना बना लेना है ठीक है बना लिया चार इंच तो उल्टी तरफ से अगर आप छोटा गला चाहते हो तो जैसे ये चार इंच बनाया दो इंच ऊपर से और बना लीजिए ठीक है ये पाँच इंच बना लेना है ऐसे दो उंगल और छः उंगल इस तरह से ये आपको देसी तरीके बता रही हूँ मैं हम ऐसे ही करते हैं बिल्कुल आसानी से बार बार इंची टेप नहीं रख के देखते हैं लेकिन जो बिगनर हैं उन्हें थोड़ा सा अगर ऐसे लगता है कि पूरा नाप बताइए तो पूरा नाप आपने आगे वाले गले में जैसे हमने ये ढाई से तीन इंच बनाना है तो पीछे वाले में चार साढ़े चार इंच बना लेना है अगर आप सेम गले दोनों साइड में क्योंकि okay, okay, बहुत सारे हैं जो दोनों साइड में सेम गले बनवाते हैं बहुत सारे हैं जो ऐसे बनवाते हैं ठीक है आगे वाला गला थोड़ा डीप पीछे वाला थोड़ा छोटा तो आपने वैसे कर लेना है तो देखिए यहाँ पर हमने अब क्या करना है ये मान लीजिए हमने घटाई डालने के बाद अपना ढाई तीन इंच बना लिया है बनाने के बाद अब हमने फंदों को जितने आपके फंदे बचे हैं इन फंदों को आपने दो पोर्शन में डिवाइड करना है ठीक है इन्हें दो पोर्शन में डिवाइड करने के लिए देखिए ऐसे मेरे पास ये सिक्सटी नाइन फंदे हैं क्योंकि ये डिजाइन आपका ऐसे ही टिकेगा ठीक है तो सिक्सटी नाइन फंदे हैं सिक्सटी नाइन फंदों को अगर हमने डिवाइड करना है बीच में मैंने नौ फंदे रखने हैं तो तीस फंदे इधर बना लूँगी तीस फंदे पहले इधर बना लेंगे इस हिसाब से हमने फंदे बना लेने हैं तो पहले मैं तीस फंदों पर ये वाला डिज़ाइन बना लेती हूँ ये देखिए ये ना हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस ठाई उनतीस फंदे बन गए ये ये दो का एक किया जाली डाली एक फंदा सीधा ठीक है ये वाला मैं डिज़ाइन बना रही हूँ अब धागा अपनी तरफ करके हमने इस फंदे को वैसे तो ऐसे सीधा करना है और दो का एक करना है अगर मैं ऐसे करूँगी तो यहाँ पर मेरे थर्टी वन फंदे हो जाएंगे तो हमने डिज़ाइन को कैसे सेट करना है ये यहाँ पर दो का एक किया जाली डाली एक फंदा सीधा बन गया हमारा अब इस फंदे को भी ऐसे ही सेम सीधा बना देंगे यहाँ पर ना तो हम जाली डालेंगे ना ही कोई फंदा घटाएंगे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है ये वाला फंदा हमारा ऐसे ही सीधा आ जाएगा देखिए इस तरह से क्योंकि ये डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो मैं यहां पर बना रही हूं अब क्या करना है यहां पर धागा अपनी तरफ कीजिए चाहे इधर रख लीजिए दो का एक करते हुए जाना है देखिए दो का एक किया एक फंदा फिर से दो का एक दो फंदे फिर से दो का एक तीन फिर से दो का एक चार पाँच सात आठ और ये नौ नौ फंदे यहाँ पर बीच में मैंने कम कर दिए ठीक है थीके? दो का एक दो का एक करते हुए अब हमने यहाँ पर क्या करना है वही डिज़ाइन देखिए सेम टू सेम जो हमने यहाँ डाला था वही इधर आ जाएगा आपका ये फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जारी डालेंगे इस फंदे पे ऐसे करते सीधा कर लेंगे फिर वही डिज़ाइन दोबारा से धागा अपनी तरफ ये उल्टा फंदा बाकी सारी रो हमने सेम टू सेम वैसे ही बनानी है डिजाइन के अकॉर्डिंग तो ये रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी तरफ से देखिए ये मैंने पूरे फंदों को बना लिया इस एक फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है ये हर बार में हर एक घटाई में आपको ऐसे ही बताती हूँ कि लास्ट के फंदे को आप बिना बुने रख लिया कीजिए चाहे आपने मोटे की घटाई करनी है या गले की ठीक है अब सीधी तरफ से यहाँ पर हमारे चार फंदों की हमने कटाई करनी है तो इन दो फंदों को पहले सिलाई में लेंगे इस बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे ये एक फंदे की होगी एक फंदा ये वाला एक ये वाला अब इन दोनों को दो का कर देंगे दो की फिर से एक फंदा ये वाला एक ये वाला ठीक है इन दो फंदों को दो का कर देंगे ये तीन फंदों की एक फंदा ये एक ए, इन दोनों को दो का एक कर देंगे ये चार फंदों की घटाई होगी चार फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी के फंदे सेम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग वैसे ही हमने बना लेने हैं ये पांच फंदे हमारे सीधे आ गए फिर धागा अपनी तरफ ये उल्टा फंदा धागा दूसरी तरफ फिर से ये पांच फंदे सीधे एक उल्टा ऐसे ही अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे फिर उल्टी तरफ से भी पूरी रो बना लेंगे और लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेंगे अब यहाँ पर हमने तीन फंदों की कटाई करनी है दो फंदों को लेंगे इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया बिना बुने हुए ये एक की होगी एक फंदा ये वाला एक ही ये वाला दो का एक कर देंगे दो फंदों की फिर से एक फंदा ये एक ये दो गए कर देंगे ये हमने कर ली अपनी तीन फंदों की कटाई तीन फंदों की कटाई करने के बाद अब इन फंदों को हम ऐसे ही बना लेते हैं ये एक ये दो ठीक है ये दो फंदे हमने ऐसे ही बनाए अभी इस रो में हमने इस उल्टे फंदे को सीधा बनाना है है ना इस फंदे को सीधा बनाया धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालते हुए इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे दो का एक कर देंगे ठीक है बन गई हमारी आधी डब्बी यहाँ पर अब धागा अपनी तरफ इस सीधे फंदे को बीच वाले को हमने उल्टा बनाना है ना रो में इसे उल्टा बनाएंगे अब बाकी का डिजाइन तो सेम हमारा वैसे ही डलेगा जैसे डल रहा है दो फंदे सी का एक किया धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डाले ये फंदा सीधा धागा अपनी तरफ फिर से ऐसे उतार कर ऐसे सीधा करेंगे दो का एक कर देंगे इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बाकी के सारे फंदों को सेम टू तो सेम वैसे ही बनाते हुए ये रो बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे अब पहले हमने देखे यहाँ पर आठ फंदों की कटाई की फिर चार फंदों की फिर तीन फंदों की अब हमने दो फंदों की कटाई करनी है ये दो फंदे ऐसे सिलाई में लिए आपने अब पीछे वाले फंदे को उठाइए ऊपर से गिरा दी ये एक हो गया एक फंदा ये वाला एक ये वाला ऐसे दो का एक कर देंगे ये दो फंदों की घटाई करने के बाद बाकी देखिए ये इस तरह से ये वाले फंदे तो हमारे सीधे बनेंगे इस रो में तो सीधे बना देंगे धागा अपनी तरफ ये उल्टा धागा दूसरी तरफ इसे ये, ये पांच फंदे सीधे ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे अब यहाँ पर हमारी एक फंदे की हमने घटाई करनी है आपने मोडे के फंदे पहले देख लेने हैं आपने यहाँ पर बीस या बाईस फंदे आपने रख लेने हैं ठीक है अपने जैसे आपने नीचे फंदे लगाए हैं जैसे आपने सत्तर अस्सी नब्बे फंदे लगाए हैं तो उसके लिए बीस रख लेंगे अगर आपने सौ लगाया है सौ से ज्यादा लगा, लगाया है फंदा तो एक सौ तो आपने बाईस फंदे रख लेने हैं यहाँ पर ठीक है मोढ़े के लिए तो अब हमारे यहाँ पर एक एक फंदा घटता जाएगा जब तक हमारी सिलाई में बीस और बाईस फंदे ना रह जाए और ये वाली हमारी यहाँ पर कटाई हमारी मोढ़े की कंप्लीट ना हो जाए तब तक और ये वाली मोढ़े की कटाई हमने कितनी बना लेनी है यहाँ से ये बनेगी हमारी या तो आप आठ साढ़े आठ या नौ इंच तक जैसे आपको सही लगे वैसे आप इसे बना सकते हो तो जैसे हमने इस तरफ से घटाई डाली है ना वैसे ही सेम टू सेम हमारी यहाँ पर घटाई डलेगी और यहाँ पर घटाई हमारी उल्टी तरफ से डलेगी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है सेम अब दोबारा से यहाँ पर डिजाइन कैसे डलेगा ये डब्बी देखिए दोबारा से शुरू हो गई हमारी ये यहाँ पर दो का एक किया हमने दो का एक करने के बाद अब ये वाला फंदा हमारा सीधा है दो का एक कर लीजिए जाली डालिए इधर जाली ये फंदा सीधे बनाने के बाद इधर जाली और इधर दो का एक ऐसे करते हुए डिजाइन तो बहुत छोटी बुनती के डिजाइन डालने बहुत आसान होते हैं और ऐसे ही ये डिजाइन आगे आगे चलते जाते हैं आप आराम से इसे बना लोगे और आराम से देखिए मैंने भी आपको बनाकर दिखाई है ना आराम से ये सेट हो गया है अब इस तरफ से कैसे हमने कटाई डालनी है वो देख लीजिए अब यहां पर भी सेम वैसे ही हमने धागा अटैच कर लेना है और अपने चार फंदों की कटाई डाल देनी है इस तरह से दो का एक कर दिया फिर से एक फंदा ये वाला एक ये वाला लेंगे ठीक है इन्हें भी दो का एक कर देंगे जो मैं बोलती हूं अगर आप वो ध्यान से सुनोगे ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी आप बड़े आराम से बनाते जाओगे चाहे आप बिगनर हो ठीक है ये तीन फंदों की घटाई होगी फिर से ये दो काई कर देंगे ये चार फंदों की चार फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की सारी रो हम जैसे बना रहे हैं सेम टू तो सेम वैसे ही बना लेंगे और सीधी तरफ से भी हमारी ये रो बनकर कंप्लीट होगी सीधी तरफ से ये एक फंदा ये हमारा उल्टा था उल्टा बनाया पांच फंदे ये सीधे इस लास्ट के फंदे को बिना मुने हमने ऐसे ही रख लेना है ठीक है सीधी तरफ से सेम वैसे ही डिजाइन जैसे डल रहा था वैसे डल गया है हमारा अब उल्टी तरफ से यहाँ पर हमारी चार फंदों की घटाई करने के बाद तीन फंदों की घटाई करनी है हमने तो इन दो फंदों को आप ले लीजिए पहले बिना बुने हुए फंदे को इस फंदे को हमने ऊपर से गिरा देना है ये ये हमारी एक फंदे की घटाई होगी एक फंदा ये एक ये दो का एक फिर से दो फंदे लेंगे दो का एक कर देंगे तो ये तीन फंदों की घटाई होगी बाकी के फंदों पर फंदे ही बनेंगे हमारे ठीक है, जैसे हमने उधरली साइड किया था ना सेम वैसे ही हमने इधरली साइड भी डिजाइन को बनाना है अब यहां पर हमने एक फंदा ये उल्टा बनाया क्योंकि यहां पर डब्बी चेंज होती है ना ये सीधे फंदे को एक सेंटर वाला सीधा फंदा यहाँ पर उल्टा आएगा फिर जाली डालेंगे हम ना दो का एक करेंगे जाली डाली एक फंदा सीधा इस उल्टे फंदे को इस रो में हमने सीधा बनाना होता है अब यहाँ पर वैसे तो हमारा धागा अपनी तरफ करते हुए हमने इस फंदे को ऐसे सीधा करके दो का एक करना था लेकिन यहाँ पर जैसे हमने दूसरी तरफ जाली नहीं डाली थी इधर भी जाली नहीं डालेंगे और इन दो फंदों को भी सीधा ही बना लेंगे और इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे अब जैसे हमारी पहले तीन फंदों की घटाई बनकर कंप्लीट हो गई है अब हमने दो फंदों की घटाई करनी है तो इन दोनों फंदों को लीजिए इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दीजिए एक की होगी एक फंदा ये एक ये दो का एक कर देंगे अब दो का एक करने के बाद बाकी के डिजाइन के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसे ही जैसे आपने सीधी तरफ से रो डाली है तो उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही हमने फंदों को बना लेना है ये तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद ये एक सीधा फिर वही हमारे पांच फंदे उल्टे एक सीधा पांच उल्टे एक सीधा अब यहां पर भी सेम टू सेम वैसे ही जैसे मैंने इधर वाली साइड आपको बताया है देखिए ये हमारे गले की गुलाई देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी बनी है ना ये इसी तरह से आपके गले की बना बनेगी गलाई और आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा जैसे इधर हमने एक एक फंदा घटाते हुए जब तक जैसे मैंने आपको बताया बीस और 22 फंदे ना रह जाए तब तक ऐसे ही सेम बना लेना है इधर वाला पोर्शन जब तक कंप्लीट ना हो जाए फिर जैसे हमने इधर घटाई डाली है आपने सेम टू तो सेम इधर घटाई डालनी है और जब तक ये डर कंप्लीट हो जाए तो इसे ऐसे ही बनाना है और सीधे और उल्टी साइड में क्या डिफरेंस आप रख सकते हो वो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है ठीक है मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझाऊं और डिज़ाइन भी अच्छे से बता दूं और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो तो बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल बता दी है तो ये बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर क्रोशिये से ब्रीडिंग कर देनी है क्रोशिये से बना लेना है ठीक है क्रोशिया से बीडिंग कैसे होगी इसकी मैंने एक वीडियो में ये डाला हुआ है वो उसमें मैंने पिंक कलर का ब्लाउज बनाया था तो उसमें क्रोशिया से ऐसे ही गले पर बीडिंग की है अगर आपको आती है तो ठीक है नहीं आती है कमेंट में बता दीजिएगा फिर वो वीडियो मैं आपको लिंक दे दूँगी ठीक है तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को लाइक का बटन अभी दबा दीजिए बहुत मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमेशा आपको अच्छे से समझाऊँ और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय हैव अ नाइस डे